जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले उनके पुजारी और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। उनको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली है जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। मंगल पवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बीच पुजारियों के लिए अच्छी खबर आई है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुजारियों और सेवादारों की सरकारी कर्मचारियों की ही तरह सुविधाओं की सौगात मिलेगी। इसका फायदा वर्षों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को तो मिलेगा ही, साथ ही उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। जनवरी 2024 से पुजारियों और सेवादारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और खान पान भत्ता मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मिली जानकारी पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बेहद खुशी जताई। ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो रामलला के पुजारी कर्मचारी हैं, उनको वो सुविधा दी जाएगी जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है। इसलिए उसमें विशेषकर जो स्वास्थ्य के संबंधी है उनकी चिकित्सा, उसके बाद अवकाश, उसके बाद आना जाना और अन्य जो भी सुविधाएं हैं सब प्रदान किया जाएगा। हमारे यहाँ मैं मुख्य पुजारी, 4 हमारे सहायक पुजारी हैं, 4 कर्मचारी हैं, उन सभी को ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ऐसा ट्रस्ट ने निश्चय किया है। और ट्रस्ट के माध्यम जो निश्चय किया है उससे हम सभी में बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष है कि जो सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है वह सुविधा यहाँ जो पुजारी हैं और कर्मचारी हैं उनको भी ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद का फैसला आने के पहले सारी व्यवस्था रिसीवर के हाथ में थी, जो रामलला के मंदिर की सारी व्यवस्था, भोग और खर्च से जुड़े फैसले लेते थे। अगस्त 2019 में तत्कालीन रिसीवर मनोज मिश्रा ने पुजारियों और सेवादारों के वेतन में बढ़ोतरी की थी, जिसमें मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के वेतन को 1,000 रूपए बढ़ाकर 13,000 रूपए, जबकि सहायक पुजारी के वेतन को 500 रूपए बढ़ाकर 7,000 रूपए कर दिया गया था। इसके बाद भी वेतन में बढ़ोतरी होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी व्यवस्था श्री राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में आ गई। और फिर वेतन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा तोहफा अप्रैल 2023 में मिला, जिसके तहत सेवादार और कर्मचारियों का वेतन ट्रस्ट ने 8,000 से बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दिया था, जबकि सहायक पुजारियों के वेतन को 9,840 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए किया गया था। वहीं मुख्य पुजारी का वेतन 15,520 से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया गया था, जबकि कोठारी, भंडारी जैसे कर्मचारियों का वेतन सीधे 15,000 रूपए कर दिया गया। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से यहां श्रद्धालुओं की संख्या अभी से बढ़ रही है। परिसर में 5 और मंदिर भी बन रहे हैं। जाहिर है ऐसे में मंदिरों के लिए और पुजारियों और सेवादारों की जरूरत होगी, जिनकी नियुक्ति 2023 तक होगी, जो जनवरी 2024 में अपनी जिम्मेदारी संभाल भी लेंगे, वो भी सरकारी कर्मचारियों की तरह की सुविधाओं के साथ। हमने मांग किया है कि एक भंडारी, एक कोठारी की बहुत जरूरी है, पुजारी की तो व्यवस्था ही है, लेकिन जब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो और पुजारियों की और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था ट्रस्ट करेगा, लेकिन ये सुविधाएं जो है वो संभव है कि उसके पहले से प्रारंभ हो जाए। रामनगरी में मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर निर्माण की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर को भी कुछ इस तरह से आकार लेते देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में पहले तल पर खड़े हुए खंभों की ऊंचाई करीब 10 फीट है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की दरों दीवार पर देवी देवताओं की खूबसूरत नक्काशी का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में टेंट से निकलकर रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए और उसके बाद अब जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद जाहिर है यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा होगी और इसको देखते हुए हर तरह की व्यवस्था को लेकर यहां खास ध्यान दिया जा रहा है। गुड न्यूज़ टुडे।